वीडियो का टाइटल में आपने देख ही चुके हैं, आज हम इसी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आपके ऐप में भी इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऐप से आपको जाना है बैक। ऐप से बैक जाने के बाद में सेटिंग्स को करना है ओपन। सेटिंग्स को ओपन करेंगे इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करके एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, ऑफ करना है, बैक जाना है। ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐप को देख लेना है, ऐप कहाँ पर है, ऐप पर करना है क्लिक। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके पर कर देना है क्लिक। बैक जाना है, परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको देना है परमिशन। परमिशन देने के बाद में बैक जाना है। प्ले स्टोर से आपको करना है सर्च। ऐप को सर्च करेंगे आपका इंटरफेस इस टाइप से दिखाई देगा। अगर ऐप में अपडेट आया होगा प्ले के ऑप्शन की जगह पे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐप को अपडेट करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आपको ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।